जय हिंद डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। लिक्विड रोबोटिक्स का वेव ग्लाइडर बन रहा है भारत में। अफ्रीकन कंट्रीज से इंडियन वेपन्स के बड़े ऑर्डर्स की उम्मीद। लद्दाख में फंसे अपाचे हेलीकॉप्टर को ट्रक की मदद से किया गया है रिकवर। क्वाड समिट के बाद चीन ने पैसिफिक में फायर करी इंटर कॉन्टिनेंटल रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल। और भारत में बन रही AK-203 असॉल्ट राइफल्स में 10 देशों ने दिखाई दिलचस्पी। तो जैसे कि पहले के डिफेंस अपडेट में हमने आपको बताया था कि भारत की सागर डिफेंस इंजीनियरिंग यूएस की लिक्विड रोबोटिक्स के साथ मिलकर अनक्रूड सरफेस व्हीकल के को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन में शामिल है। तो इससे जुड़ा हुआ आगे का अपडेट यह है कि इस कोलैबोरेशन के तहत जो इंडियन नेवी के लिए अनक्रूड सरफेस व्हीकल यानी कि USV सिस्टम्स को विकसित किया जा रहा है तो वो 2025 यानी कि अगले वर्ष तक तैयार होने की उम्मीद है। और इस कोलैबोरेशन के तहत जिस USV सिस्टम की भारत में को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन की तैयारी चल रही है तो वो कोई और नहीं बल्कि लिक्विड रोबोटिक्स का ही वेव ग्लाइडर सिस्टम है, जो कि एक ऑटोनॉमस अनक्रूड सरफेस व्हीकल की कैटेगरी में आता है। ये सिस्टम 24/7 लॉन्ग एंड्योरेंस ऑपरेशंस को सपोर्ट कर सकता है। ये इमीडिएटली सिचुएशनल अवेयरनेस प्रोवाइड करने में सक्षम है और सर्विलियंस और डेटा कलेक्शन कैपेबिलिटीज के लिए इसमें एडवांस सेंसर्स का इस्तेमाल किया गया है। और जैसे कि इसका नाम है वेव ग्लाइडर, तो ये सिस्टम पानी की सरफेस पर जो वेव्स की एनर्जी होती है तो उस एनर्जी में आने वाले डिफरेंस का इस्तेमाल करता है आगे बढ़ने के लिए। जैसे कि पानी के सरफेस पर जो लहरों की एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है और गहराई के बढ़ने के साथ वही एनर्जी तेजी से कम हो जाती है, तो इसी एनर्जी डिफरेंस का इस्तेमाल करता है वेव ग्लाइडर आगे बढ़ने के लिए। और जबकि एक्स्ट्रा पावर के लिए सोलर एनर्जी का इस्तेमाल भी करता है और यही सोलर एनर्जी सिस्टम की बैटरीज और अन्य पावर सेंसर्स को रिचार्ज करने में भी काम आती है। और लिक्विड रोबोटिक्स के CEO का कहना है कि वेव ग्लाइडर भारत और अमेरिका की सरकारों के बीच कोलैबोरेशन को और मजबूत करने के लिए आइडियल सिस्टम है और सागर डिफेंस इंजीनियरिंग के साथ उनकी जो पार्टनरशिप है तो वो उनके इस एग्जिस्टिंग वेव ग्लाइडर ऑपरेशंस को भारत में ग्रो करने में मदद करेगी। और इस कोलैबोरेशन के तहत वे वेव ग्लाइडर सिस्टम को भारत के सक्रिय डिफेंस मिशंस में इंटीग्रेट करने का काम करेंगे। और आपको ये भी बता दें कि लिक्विड रोबोटिक्स US फर्म बोइंग की ही एक सब्सिडियरी है। अफ्रीका में आयोजित एरोस्पेस एंड डिफेंस एक्सपो में भारत की 8 पब्लिक सेक्टर और 2 प्राइवेट डिफेंस सेक्टर कंपनीज पार्टिसिपेट कर रही हैं, जिसमें वे अपने हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को शोकेस करेंगे। और इंडियन ऑफिशियल्स का मानना है कि कॉम्बैट सिचुएशंस में भारत के जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं और इसलिए हम अफ्रीकन कंट्रीज के लिए एक बेहतर चॉइस ऑफर कर सकते हैं। और उन्होंने इस बात की भी उम्मीद जताई है कि जो इंडियन कंपनीज इस एक्सपो में पार्टिसिपेट कर रही हैं तो वे निश्चित रूप से कुछ अच्छे ऑर्डर्स प्राप्त करके वापस आएगी और वे अफ्रीकन डिफेंस मार्केट में बहुत सारा पोटेंशियल देखते हैं। वहीं इसी बीच 26 और 27 सितंबर को भारत के डिफेंस सेक्रेटरी श्री गिरिधर अरमाने जी केनिया की ऑफिशियल विजिट पर रहेंगे और इस विजिट के दौरान केनिया के साथ डिफेंस कोऑपरेशन को और मजबूत करने के प्रयासों पर काम किया जाएगा। बाकी एक अपडेट यह है कि आज मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के 10 वर्ष पूरे होने पर भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की तरफ से सूचित किया गया है कि इन 10 वर्षों में भारत के डिफेंस सेक्टर में कई सारे रिफॉर्म्स हुए हैं और दुनिया में भारत के डिफेंस इंडस्ट्रियल लैंडस्केप ने एक राइज देखा है। और साथ में ये भी सूचित किया गया कि भारत अब 90 देशों को अपने वेपन्स एक्सपोर्ट करता है। बाकी 2023-24 में भारत के डिफेंस प्रोडक्शन ने 1.27 लाख करोड़ रुपीस तक के टारगेट को हिट किया था। इसके अलावा एक और अपडेट है कि कैनेडियन फर्म बॉम्बार्डियर के CEO के साथ अडानी ग्रुप के फाउंडर और चेयरमैन श्री गौतम अडानी ने एक हाई लेवल मीटिंग कंडक्ट करी थी और इस मीटिंग में भारत की एविएशन कैपेबिलिटीज को बढ़ावा देने के उद्देश्य के साथ दोनों कंपनीज के बीच पोटेंशियल पार्टनरशिप को डिस्कस किया गया। और अडानी ग्रुप के सोशल मीडिया पोस्ट के मुताबिक इस मीटिंग में एयरक्राफ्ट सर्विसेज, MRO और डिफेंस के अराउंड बातचीत हुई है। और इस कोलैबोरेशन का उद्देश्य होगा आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के तहत विदेशी टेक्नोलॉजीज और सर्विसेज पर से भारत की निर्भरता को कम करना। आप सभी को ध्यान होगा कि इस वर्ष अप्रैल के महीने में लद्दाख के हाई एल्टीट्यूड एरियाज में एक्सरसाइज के दौरान ऑपरेशन सॉर्टी परफॉर्म करते समय इंडियन एयरफोर्स के अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर को एक हार्ड लैंडिंग करनी पड़ी थी। हालांकि इस इंसिडेंट में हेलीकॉप्टर के पायलट्स बिल्कुल सेफ थे, लेकिन हेलीकॉप्टर को नुकसान हुआ था। और ये जो अपाचे हेलीकॉप्टर है लद्दाख में एक ऐसी जगह पर फंसा था जहां से इसको रिकवर करने में 5 महीने से ज्यादा का समय लग गया। और अब आखिरकार इस हेलीकॉप्टर को रिट्रीव कर लिया गया है और इसे बाय रोड एक ट्रक की मदद से लेह लाया गया है। और अब इस हेलीकॉप्टर की रिपेयरिंग या तो इसके अपने होम बेस पठानकोट में होगी या फिर इंडियन एयरफोर्स के बेस रिपेयर डिपो में। बाकी जिस ऊंचाई पर यह हेलीकॉप्टर फंसा था वहां से इसको डायरेक्टली एयरलिफ्ट कर पाना इम्पॉसिबल था, तो इसी वजह से इसको डिसेंबल करके ट्रक की मदद से बाय रोड पहले लेह लाया गया और फिर वहां से इसे आगे एयरलिफ्ट किया जाएगा। और रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स की टेक्निकल टीम ने इस हेलीकॉप्टर के करीब 400 पार्ट्स को एक एक करके फिजिकली खुद बाहर निकाला और फिर ऐसे करके उन पार्ट्स को पास की सड़क तक लाया गया और वहां से उसको ट्रक के थ्रू लेह तक ट्रांसपोर्ट कराया गया। और इस हेलीकॉप्टर को डिसमेंटल करने के लिए ट्रेंड माउंटेनियर्स की मदद ली गई थी।
इसके अलावा एक अपडेट यह है कि आज बुधवार को पैसिफिक ओशन में चीन ने एक इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल को टेस्ट फायर किया था और चीन की बैलिस्टिक मिसाइल एक डमी वॉरहेड के साथ फायर की गई थी जो कि समुद्र में अपने डेजिग्नेटेड एरिया पर जाके गिरी। और ऐसा पहली बार है जब चीन ने अपने किसी मिसाइल टेस्ट को पब्लिकली एक्नॉलेज किया है, वरना इससे पहले चीन जितने भी अपने सिस्टम्स के टेस्ट करता था तो कभी भी चीन की तरफ से डायरेक्टली ऑफिशियल लेवल पर उन टेस्ट को लेकर कोई भी एक्नॉलेजमेंट देखने को नहीं मिलता था। हालांकि प्रोपेगेंडा करने के लिए चीन अपने अलग अलग मीडिया के थ्रू जरूर इन्फॉर्मेशन फैला देता था लेकिन खुद से कभी ऑफिशियली नहीं कहता था। पर इस बार ऐसा हुआ है कि चीन ने पहली बार पैसिफिक ओशन में टेस्ट की गई इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में पब्लिकली खुद एक्नॉलेज किया है। यह मिसाइल आज सुबह 8:44 पर चीन के पीपल्स लिबरेशन आर्मी रॉकेट फोर्स द्वारा फायर की गई थी और चीन के रक्षा मंत्रालय के स्टेटमेंट के मुताबिक ये टेस्ट उनके एनुअल ट्रेनिंग प्लान में एक रूटीन अरेंजमेंट की तरह था और इस टेस्ट का उद्देश्य किसी भी अन्य देश को टारगेट करना नहीं था। और चीन का ये टेस्ट एक ऐसे समय पर हुआ है जब अभी कुछ ही दिनों पहले क्वाड लीडर्स ने इंडो पैसिफिक रीजन में अपने बीच के कॉपरेशन को बढ़ाने के लिए अनाउंसमेंट करी थी जिसमें वे संयुक्त रूप से मिलकर कोस्ट गार्ड मिशन को भी लॉन्च करने वाले हैं। और क्वाड समिट के बाद पैसिफिक में चीन द्वारा मिसाइल टेस्ट कंडक्ट करना और फिर ऊपर से उसको ऑफिशियली एक्नॉलेज भी करना तो ये केवल एक इत्तेफाक तो नहीं है और ये स्पष्ट है कि चीन इनडायरेक्टली अपनी कुछ ऐसी कैपेबिलिटीज दिखाना चाह रहा है और संभावित रूप से जिसमें उसका संकेत इस तरफ भी है कि चीन के पास ऐसी कैपेबिलिटीज हैं, ऐसी मिसाइल्स हैं जो कि अमेरिका तक पहुंचने की कैपेबिलिटी रखती है। बाकी चीन ने ऑफिशियली ये तो नहीं बताया कि उसने इस टेस्ट में अपनी कौन सी मिसाइल टेस्ट करी है, लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये या तो DF-31 मिसाइल थी या फिर DF-41। DF-31 थर्ड जनरेशन की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 8000 किलोमीटर तक है, जबकि DF-41 फोर्थ जनरेशन की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 15000 किलोमीटर तक है। मंगलवार को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के 75 वर्ष पूरे होने पर नई दिल्ली में स्थित चाइनीज एम्बेसी में एक इवेंट आयोजित किया गया था और इस इवेंट के दौरान चीनी राजदूत की तरफ से कहा गया कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और ट्रस्ट के आधार पर जो चीन है वो भारत के साथ हेल्दी बायलेटरल रिलेशंस को बनाए रखने के लिए काम करने के लिए तैयार है। और उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि चीन और भारत एक दूसरे के राइवल्स नहीं बल्कि पार्टनर्स थे, दोनों देशों में कई सारी समानताएं हैं और उनका यह भी कहना था कि चीन और भारत डेवलपमेंट की एक क्रिटिकल स्टेज में और इस रीजन के लिए चीन और भारत की स्टेबल रिलेशनशिप काफ़ी महत्वपूर्ण है। जबकि बॉर्डर इश्यूज को लेकर उनका यह कहना था कि इनका समाधान ढूंढने के लिए डिप्लोमेटिक चैनल्स के माध्यम से डायलॉग जारी है। बाकी जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चीन कहता कुछ और है और करता कुछ और है, और भले ही वो ये कहे कि वो भारत के साथ एक अच्छे रिलेशंस रखना चाहता है लेकिन कभी भी उनकी कार्रवाई उनके शब्दों से मेल नहीं खाती है। बाकी भारत और चीन के रिलेशंस को लेकर अभी हाल ही में भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एशिया सोसाइटी पॉलिसी इंस्टीट्यूट में आयोजित किए गए इवेंट में भी बात करी है जिस पर उनका ये कहना था कि चीन ने भारत और चीन के बॉर्डर एग्रीमेंट्स का उल्लंघन किया, कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान अपने ट्रूप्स के डिप्लॉयमेंट को बढ़ाया जिससे पूर्वी लद्दाख के साथ तनाव बढ़ा और इसी के परिणाम स्वरूप क्लैशेस हुए और इन क्लैशेस ने भारत और चीन के बीच अन्य एरियाज में भी जो बायलेटरल रिलेशंस थे उन पर प्रभाव डाला। उनका ये भी कहना था कि चीन के साथ हमारा जो इतिहास है वो काफ़ी डिफिकल्ट रहा है। बाकी अभी कुछ ही समय पहले जो उन्होंने कहा था कि चीन के साथ बॉर्डर इश्यूज को लेकर जो बातचीत है उसमें 75% तक की प्रोग्रेस हुई है, तो अपने इसी स्टेटमेंट को लेकर उन्होंने इस बात को एक्सप्लेन किया कि बॉर्डर्स के साथ जो मेजर फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं वहाँ पर डिस्प्यूट को मैनेज कर लिया गया है लेकिन बॉर्डर एरियाज के साथ जो डिसाइडेड पेट्रोलिंग राइट्स हैं तो वहाँ पर चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं। उनका ये भी कहना था कि दोनों के लिए जो पेट्रोलिंग है वो इस पूरे इशू का मेन पार्ट है और 2020 के बाद से जो ये पेट्रोलिंग अरेंजमेंट है तो इसमें बाधा आई है और इसी को रिजॉल्व किया जाना सबसे जरूरी है। तो उसके बाद जो दोनों देशों के बीच रिलेशंस को इम्प्रूव करने का अगला बड़ा कदम होगा वो होगा डीएस्केलेशन। उनका यह भी कहना था कि भारत और चीन के रिलेशनशिप एशिया के भविष्य के लिए बेहद जरूरी है, अगर पूरी दुनिया मल्टीपोलर हो रही है तो एशिया को भी मल्टीपोलर होना होगा और यही रिलेशनशिप एशिया और दुनिया के भविष्य को काफ़ी महत्वपूर्ण तरीके से इन्फ्लुएंस करेगा। लेकिन इसी सेम टाइम पर उनका यह भी कहना था कि भारत को इंटरनेशनल ऑर्डर में वॉलेटिलिटी और अनप्रडिक्टेबिलिटी को फेस करने के लिए भी हमेशा तैयार रहना होगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति की तरफ से कंफर्म किया गया है कि रशिया और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट को समाप्त करने के लिए जो दूसरी इंटरनेशनल पीस समिट है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए भारत को भी ऑलरेडी इनवाइट कर दिया गया है और भारत के साथ साथ चीन और ब्राज़ील को भी इनवाइट किया गया है। बाकी इसके अलावा जम्मू कश्मीर में चल रहे इलेक्शंस के सेकेंड फेज को कई सारे फॉरेन डिप्लोमेट्स ने विजिट किया है और इनमें USA, मैक्सिको, गयाना, साउथ कोरिया, सोमालिया, पनामा, सिंगापुर, नाइजीरिया, स्पेन, साउथ अफ्रीका, नॉर्वे, तंजानिया, रवांडा, अल्जीरिया और फिलीपींस के डिप्लोमेट्स शामिल थे और आर्टिकल 370 हटने के बाद से जम्मू कश्मीर में इस तरह से फॉरेन डिप्लोमेट्स की पहली विजिट है जिसमें फॉरेन डिप्लोमेट्स ने जम्मू कश्मीर के डेमोक्रेटिक प्रोसेस को विटनेस किया है। और अपने इस विजिट का एक्सपीरियंस शेयर करते हुए अमेरिकन डिप्लोमेट का ये कहना था कि कश्मीर में भारत की डेमोक्रेसी को लेकर वो काफ़ी एक्साइटेड हैं जो कि बहुत ही स्मूथ और प्रोफेशनल है, सारी चीज़ें बहुत ही बेहतरीन तरीके से सेटअप की गई हैं।
और वैसे अगर देखा जाए तो इस बात में कोई संदेह भी नहीं है कि आर्टिकल 370 हटने के बाद से जम्मू कश्मीर ने एक अलग लेवल पर डेवलपमेंट को विटनेस किया है। लेकिन फिर भी हमारे देश में कुछ हैं जिनको ये डेवलपमेंट भी सही नहीं लग रहा है, और इसलिए तो वो चाह रहे हैं कि आर्टिकल 370 को दोबारा से रिस्टोर किया जाए, और कुछ को तो फॉरेन डिप्लोमेट्स के इस करंट विजिट से काफ़ी आपत्ति भी हुई है। बाकी एक बड़ा अपडेट ये देखने को मिला है कि भारत ने म्यांमार के कुछ बड़े रेबल ग्रुप्स को मीटिंग के लिए इन्वाइट किया है, जिनमें चीन आर्मी, काचिन आर्मी और अराकन आर्मी जैसे ग्रुप्स शामिल हैं, और इन रेबल ग्रुप्स के साथ जो मीटिंग है वो नवंबर के मध्य तक आयोजित की जाएगी। और फिलहाल अभी ये स्पष्ट नहीं है कि क्या इस मीटिंग के लिए म्यांमार के मिलिट्री गवर्नमेंट को भी इन्वाइट किया गया है या नहीं। इसके अलावा स्पुटनिक इंडिया की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें बताया गया है कि जो भारत रशिया का जॉइंट वेंचर है इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसके तहत भारत में AK-203 असॉल्ट राइफल्स की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो इस राइफल को खरीदने में साउथ एशिया, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के करीब 10 देशों ने अपना इंटरेस्ट दिखाया है, और इसके साथ वे कलेशनिकोव फैमिली के अदर वेरिएंट्स को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, जिसमें कार्बाइंस, मशीन गन्स, स्नाइपर राइफल्स और पिस्टल्स शामिल हैं। बाकी एक और अपडेट है कि भारत के राष्ट्रपति और इंडियन आर्म फोर्सेस की सुप्रीम कमांडर श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी कल 26 सितंबर को सियाचिन बेस कैंप को विजिट करेगी और वहां पे पोस्टेड इंडियन आर्मी ट्रूप्स के साथ इंटरेक्शन भी करेंगी। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2008 में जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए हवलदार बहादुर सिंह बोहरा ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था और इन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि ओमान में जो भारत और ओमान की आर्मीज के बीच जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज चल रही है तो उसका नाम क्या है। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और बाकी अगर आपको मिलिट्री से संबंधित और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी है तो आज ही डाउनलोड करें डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप। बाकी अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। हम जल्दी मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।